नमस्कार दोस्तों, बैंगलोर से एक बहुत दुखद खबर आ रही है और वो ये कि गौरी लंकेश, जो कि गौरी लंकेश पत्रिका की संपादक थी, वो जब अपने घर में प्रवेश कर रही थी तो उन्हें गोली मार दी गई। गौरी लंकेश की पृष्ठभूमि में सिर्फ दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात यह कि गौरी लंकेश हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ आवाज बुलंद करती थी। जब वो जिंदा थी तो उन्होंने बार बार इस बात की ओर हमारा ध्यान खींचा कि किस तरह से मौजूदा जो सत्ताधारी ताकतें हैं देश की, वो आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों की जो कि उन्हें चुनौती दे रहे हैं। गौरी लंकेश के खिलाफ एक क्रिमिनल डेफेमेशन, मानहानि का मुकदमा भी धारवाड़ से बीजेपी एमपी प्रहलाद जोशी ने फाइल किया था, जिसमें उन्हें सजा मिली थी, वो बेल में रिहा हो गई थी। वो घर में प्रवेश कर रही थी और उन्हें गोली मार दी गई। आप जानते हैं, मैं अभी भी ये उम्मीद कर रहा हूं, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि उनकी हत्या में कोई हिंदुत्ववादी का सिर फिरा, कोई हिंदुवादी कार्यकर्ता शामिल ना हो। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि ये कोई निजी दुश्मनी के चलते हो गया हो या कोई और कारण हो। और आप जानते हैं मैं क्यों ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, मैं क्यों ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं कि उनकी हत्या किसी और निजी रंजिश की वजह से हुई हो। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा देश महान, मेरा भारत महान जो है ना, वो एक हिंदू पाकिस्तान बन जाए। आप कहेंगे हिंदू पाकिस्तान क्यों, तो आप मुझे बताइए, पंसारे, डाभोलकर, एमएम कलबुर्गी, इन सब की हत्याएं किसने की हैं? इन सब की हत्याएं हिंदुत्ववादी ताकतों का समर्थन करने वाले लोगों ने की हैं। और अब उसी फहरिस्त में गौरी लंकेश का नाम शामिल हो गया। वो गौरी लंकेश जो जिंदा थी तब उन्होंने कई बार कहा था कि किस तरह से पिछले 3 सालों में पंसारे, डाभोलकर, एमएम कलबुर्गी, जिन्होंने इनके वर्चस्व को, उनकी ताकत को चुनौती दी थी, उन्हें गोली मार दी गई। आपको क्या लगता है कि पत्रकारों को डर नहीं लगता? आपको क्या लगता है कि जब गौरी लंकेश ने एक खास किस्म की ताकत को चुनौती दी थी, क्या उनको डर नहीं लगता? उन्हें डर लगा होगा, उन्हें लगातार लगा होगा। मगर शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि कोई उनको घर में आके गोली मार देगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो जाहिर सी बात है वो सुरक्षा लेते। और हकीकत यह भी है दोस्तों कि हम पत्रकार जो हैं अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार भी होते हैं। क्योंकि जब भी कोई घटना हो रही होती है ना, कोई आतंकवादी हमला या कोई दंगा, या जैसे राम रहीम के संदर्भ में हुआ था, तो हम खतरे से भागते नहीं हैं, हम खतरे की तरफ डरते हैं, की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे पास आसपास कोई सुरक्षा नहीं होती, हमारे पास कोई बंदूकें नहीं होती, कुछ नहीं होती है, हम आगे बढ़ते हैं हमेशा। क्योंकि हमारा ये कर्तव्य, हमारा ये काम है कि हम आप तक तस्वीर पहुंचाएं, हम आप तक खबर पहुंचाएं। मगर गौरी लंकेश की मौत, उनकी हत्या बहुत चिंता में डालने वाली है। और क्यों चिंता में डालने वाली है, मैं आपका ध्यान 2 ट्वीट्स की तरफ दिलाना चाहूंगा। और ये 2 ट्वीट्स जो हैं ट्विटर पर, एक बहुत तथाकथित जिम्मेदार शख्स ने, इनका नाम अमित मालवीय है, ये बीजेपी के सोशल मीडिया विंग के हेड हैं, कुछ दिनों पहले इन्होंने क्या ट्वीट किया था ये मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं उनका ट्वीट दिखाता हूं, फिर हम उस पर बाद में बात करते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो अमित मालवीय ने इस ट्वीट में कहा था, प्रहलाद जोशी बीजेपी एमपी फ्रॉम धारवाड़ गेट्स गौरी लंकेश कन्विक्टेड इन डेफेमेशन केस,
होप अदर जर्नल्स टेक नोट। अमित मालवीय जो कि बीजेपी का सोशल मीडिया विंग का हेड है, वो ये कह रहा है कि डेफेमेशन के केस में गौरी लंकेश को जेल हो गई है। उम्मीद है बाकी पत्रकार भी इसका 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 नोट लेंगे। ये वो सज्जन हैं जो बीजेपी के सोशल मीडिया विंग के प्रमुख हैं। ये वो सज्जन भी हैं जिन्होंने अपने ट्वीट के जरिए न जाने कितनी गलत बयानी की है, न जाने कितनी बार झूठ बोला है। और एक और चीज मैं आपकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, भुविष शेट्टी ने उसके कुछ दिनों बाद, कलबुर्गी की हत्या के कुछ दिनों बाद एक ट्वीट किया था, मॉक हिंदुइज्म एंड डाई अ डॉग्स डेथ, हिंदुत्व का मजाक उड़ाओ और तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ये बात अलग है कि भुविष शेट्टी खुद हरीश पुजारी की हत्या में पकड़ा गया था, अभी वो बेल पर रहा है। दरअसल उसे लगा था हरीश पुजारी एक मुसलमान है, तो वो उसे गोली मारने गया, मगर हरीश पुजारी मारा गया उसकी जगह पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप और हम किस समाज का सृजन कर रहे हैं? आप और हम किस समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर पत्रकारों को डराना, पत्रकारों को धमकाना, यह अब मेनस्ट्रीम सोच का हिस्सा होती जा रही है। आपने अमित मालवीय का ट्वीट देखा, यह शख्स कहने को बीजेपी मीडिया सोशल मीडिया विंग का प्रमुख है, मगर इसने अपने सोशल मीडिया हैंडल से न जाने कितनी बार गलत बयानी की है, वो एक अलग किस्सा है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता हूं। भुविष शेट्टी बजरंग दल का कार्यकर्ता, बजरंग दल किस संस्था से जुड़ा हुआ है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। भुविष शेट्टी को भी हत्या के लिए पकड़ा गया। वाकई आज मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है इस हत्या के बाद। मेरे सामने तस्वीर है, तस्वीर मैं देख रहा हूं गौरी लंकेश की लाश को, साड़ी पहनी हुई है उन्होंने, नीले रंग की साड़ी है, नीचे लाल रंग सा है और उस पर गोलियों के निशान हैं। मार दिया गया गौरी लंकेश को। और आप जानते हैं क्या होगा, इस हत्या को भी सही ठहराने के लिए एक पूरी सोच अब काम करने लगेगी। एक पूरी सोच इस हत्या को सही ठहराने के लिए, उसमें वजह ढूंढने के लिए काम करने लग जाएगी। आप और हम कैसे राक्षस बन गए हैं वो पिछले 2 सालों में साबित हो रहा है बार बार। मैंने आपसे क्यों कहा, मैं फिर कह रहा हूं ये बात, मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि गौरी लंकेश की हत्या में ईश्वर करे कोई निजी रंजिश का मामला सामने उभर कर आए। और वो इसलिए क्योंकि अगर वाकई उन हिंदुत्ववादी लोगों ने गौरी लंकेश की हत्या की है, तो मुझे बहुत डर है कि मेरा देश अब एक हिंदू पाकिस्तान बनने जा रहा है। क्योंकि प्राथमिकताएं अब खत्म हो रही हैं हमारी, न्याय को लेकर प्राथमिकताएं अब हमारी खत्म हो रही हैं। आज किसी की हत्या, किसी की बेबसी खबर वो नहीं है, खबर ट्रिपल तलाक है, खबर किसानों की आत्महत्या नहीं है, खबर वंदे मातरम आप क्यों नहीं गाते वो है, खबर ये नहीं है कि अखलाक को या जुनैद को या पहलू खान को तुमने किस बेबसी से मार दिया। और न सिर्फ मार दिया गया बल्कि पुलिस ने एक किस्म की समानता स्थापित की मृतक में और आरोपी में। आप देख रहे हैं, मृतक में और आरोपी में एक किस्म की समानता कायम की जाए, यह किस तरह की संवेदनशीलता है। आप जानते हैं पिछले 4 हफ्ते से जब से मैं वीडियो ब्लॉग्स कर रहा हूं, जिसमें मैंने गोरखपुर
में जो मरे जो मृत बच्चे हैं उन पर मैंने सवाल उठाया। राम रहीम को लेकर सत्ताधारी बीजेपी की जो के जो दोहरे मापदंड हैं उस पर मैंने सवाल उठाए। तो मुझे मेरे रिश्तेदार हैं मेरे मेरे पापा को फोन करके बोलते हैं कि भाई आप इससे कहिए कंट्रोल रखिए अपने आप पे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कंट्रोल अपने आप पे क्यों रखूं, मैं अपने आप पे कंट्रोल क्यों रखूं, क्योंकि 20 साल से मैं यही पत्रकारिता कर रहा हूं। कांग्रेस के 10 सालों में भी मैंने यही पत्रकारिता की थी। इसी तरह से यूपीए के कार्यकाल में जिस तरह की उसे हमने वैसी सवाल उठाए थे। सलमान खुर्शीद के सामने खड़े होकर हमने वैसी उन्हें कटघरे पे खड़ा किया था जब उनके एनजीओ का स्टिंग सामने उभर कर आया था, उसमें अनियमितता का स्टिंग सामने उभर कर आया था, तो हमने वैसी खड़े होकर इनसे सवाल पूछा था। तब मेरी जान को लेकर या किसी और पत्रकार की जान को लेकर यह खतरा नहीं होता था। उस वक्त दीपक शर्मा ने उंगली करके मुझे याद है दीपक शर्मा ने सलमान खुर्शीद को कटघरे में खड़ा किया था। तब दीपक शर्मा को अपने जान का कोई खतरा नहीं था। अब हम सिर्फ तथ्य रख रहे हैं आपके सामने, तो तथ्य रखना भी एक गुनाह हो गया है। तस्वीर मेरे सामने है, मैं आपको दिखा सकता हूं तस्वीर गौरी लंकेश की, मगर जिस चीज को मैं महसूस कर रहा हूं उसे आप क्यों करें। बहुत दुखद स्थिति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को शांति प्रदान करे, और हम में यानी कि इस देश की जनता में गैरत पैदा करे, थोड़ी शर्म पैदा करे कि हम इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं और इस देश को हम क्या तब्दील कर रहे हैं, किस चीज में तब्दील कर रहे हैं। हम में थोड़ी शर्म पैदा करें और कुछ नहीं, हम में थोड़ी शर्म पैदा करें। खैर, गुड नाइट, आप लोगों की नींद अच्छी हो, मगर यकीन मानिए हम सब पत्रकार जो गौरी लंकेश को जानते थे निजी तौर पर या उनके काम से वाकिफ थे, ये रात हम लोगों के लिए बहुत लंबी है।